टूटा हुआ था तो क्लच क्या था पूरा काम नहीं करती थी और कस्टमर को ये नहीं पता चल पा रहा था कि इसमें गैपिंग है या नहीं है, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ा और मैंने सेकंड हैंड लगा दिया, नया तो नहीं मिला। तो इस हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए आज हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास ये CBZ एक्सट्रीम बाइक आई हुई है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है कि गाड़ी आगे की ओर भाग नहीं पाती है, स्पीड नहीं बना पाती है और इसका स्थिति इस तरीके से है और कैसे बाइक चलती थी वो हम आपको दिखाते हैं। जैसा रहेंगे ये क्लच जो है काफ़ी हार्ड है और दूसरी बात ये भी है कि ये टूटा हुआ है, तब भी बाइक वाला इसको जो है इसी तरीके से चला रहे थे, इसी रीजन में गाड़ी जो है चलना बंद हो गई। क्लच और ऑयल चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। ऑयल जो है इस तरीके से निकला, यानी कि काफ़ी ज़्यादा काला हो चुका है। तो अब हम क्लच को खोलते हैं। अरे ये चीज़ क्लच जो है बाहर आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको फटाफट खोल लेते हैं। इसके अंदर उल्टा गुना नहीं होता है, इसके अंदर भी उल्टा गुना नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा है 19 का नट लगा हुआ है, ठीक है, इसको पहले खोल लेते हैं। चलिए अब हम इसको फटाफट लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये वाला हमारा जो बूस होता है ये ऊंचा साइड अंदर की ओर जाएगा, उसके बाद फिर इसको हम कटोरा को इस तरीके से डाल देंगे। उसके बाद सिंपली एक ये बड़ा वार्सल होती है, इसको इस तरीके से डाल देना है, ठीक है। फिर अब हम क्लच प्लेट को लगाते हैं। अब आपको सिंपली जो है ये चीज़ आपको देख के लगाना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ये रहा बिंदिया, ठीक है, और उसके बाद हमारा सेंटर में भी यहाँ पर जो है यहाँ पर बिंदिया, ठीक है। इसको देखकर इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब ये हमारा परफेक्ट हो गया। चलिए अब इसको इन कर देते हैं। चार क्लच प्लेट मैंने एक जगह डाल दिया है, ठीक है, और एक को एक जगह छोड़ दिया है। सिंपली ये वाला वार्सल लगेगा यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो है ये 19 वाला यहाँ पर टाइट होगा, फुल टाइट कर देते हैं। चलिए अब इसको वेट को लगा देते हैं इस तरीके से, और फिर एक वार्सल होता है इसको यहाँ पर इस तरीके से डाल देना, इसको हम फुल टाइट कर देंगे। सिंपली टाइट करने के लिए इसको बाहर कर देना है ऑयल पंप गरारी को, फिर इस तरीके का GPD पनियन यहाँ पर आपको डाल देना है। चलिए अब सिंपली इसको लगा देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये हमारा बैरिंग होता है, इस बैरिंग को यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। फाइनली जो है हमने क्लच को लगा दिया है, ठीक है, और मैंने पैकिंग जो है इसका नया डाल दिया है। और उसके बाद अब हम कवर लगाने वाले हैं। और सबसे पहले आपको हम ये चीज़ दिखा दें कि इस लीवर को मैंने जो है चेंज कर दिया, नया तो नहीं मिला पर सेकेंड हैंड लगाया, क्योंकि ये लीवर जो है काफ़ी क्लच प्लेट जलने का भूमिका ये निभाती है। अगर गलत लगा रहेगा तो क्लच प्लेट जलेगा, क्योंकि जब ये हमारा टूटा हुआ था तो क्लच क्या था पूरा काम नहीं करती थी और कस्टमर को ये नहीं पता चल पा रहा था कि इसमें गैपिंग है या नहीं है, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ा और मैंने सेकेंड हैंड लगा दिया, नया तो नहीं मिला। तो इसी तरीके से आपको काम करना है जिससे क्या क्लच प्लेट नहीं जले। एक लीवर के फॉल्ट से क्लच प्लेट जल गया,
सोच सकते हैं छोटी छोटी कमी जो है बड़ा प्रॉब्लम डाल देती है बाइक में। तो इसी तरीके से आपको काम करना है।